है और गाड़ी बिल्कुल टकाटक है, नई गाड़ी है ये। और अभी इसका देखो, हालांकि देखोगे तो अभी नंबर भी अलॉट नहीं हुआ है इस गाड़ी का, और गाड़ी बिल्कुल टकाटक है और दिल्ली सरकार की ये पीडब्ल्यूडी की गाड़ी है जो कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लड़ती है। दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन है उसके विरुद्ध जो है ये। जय हिंद जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों आपको बता दूं इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 11 के अंदर। और अगर मेरे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, हालांकि दिल्ली सरकार की ये गाड़ी है और गाड़ी बिल्कुल टकाटक है, नई गाड़ी है ये। और अभी इसका देखो, हालांकि देखोगे तो अभी नंबर भी अलॉट नहीं हुआ है इस गाड़ी का और गाड़ी बिल्कुल टकाटक है और दिल्ली सरकार की ये पीडब्ल्यूडी की गाड़ी है जो कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लड़ती है। दिल्ली में जितना भी पॉल्यूशन है उसके विरुद्ध जो है ये पीडब्ल्यूडी की गाड़ी लगाई गई है। और इसमें एक ये मशीन भी लगाई है, देखो ये गौरव कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से ये जो है पीडब्ल्यूडी का काम किया जा रहा है और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगर यहाँ पर आप देखोगे ये मशीन लगाई गई है जो कि प्रदूषण खत्म करेगी। अब ये कितना प्रदूषण खत्म करती है, कितना प्रदूषण नहीं खत्म करती है, इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये प्रदूषण कैसे खत्म करती है इसके बारे में एक को गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर भैया बैठे उनसे एक बार बात करेंगे और वो बताएंगे हमारे को कि ये गाड़ी जो है प्रदूषण के विरुद्ध कैसे काम करती है, ये मशीन जो है प्रदूषण कैसे खत्म करती है। आओ मेरे साथ एक बार बात करेंगे यहाँ पे, आ जाए अंदर, आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल। अच्छा श्रीपाल जी, ये पीडब्ल्यूडी की गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल नई की नई है और पीछे जो मशीन लगी है वो प्रदूषण के विरुद्ध लगाई है, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, राइट है। अच्छा, वो प्रदूषण खत्म करती है? पॉल्यूशन खत्म करती है। कितना पॉल्यूशन खत्म करती है? अभी तो हम गाड़ी चलाते हैं पानी छिड़कता है तो उससे तो फर्क तो पड़ता ही है। कैसे करती है ये काम, ये बताओ थोड़ा सा हमारे को। एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ। हाँ एक बार देखो, ये भैया हैं और ये चला के दिखाएंगे हमारे को कि ये कैसे काम करती है। एक बार देखो, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो मशीन है इसके थ्रू सब कुछ हो जाता है, इसमें कंडक्टर की जरूरत नहीं है, साथ वाले हेल्पर की भी जरूरत नहीं है और सिर्फ अकेले ये भैया हैं जो ड्राइविंग भी कर लेते हैं और साथ में ये ऑपरेट भी हो जाएगी। देखो अब यहाँ पर आ जाओ मैडम, आगे आ जाओ। अच्छा यहाँ से देखो, ये पावर चालू हो गया, ये भी हो गया। अच्छा तीनों बटन ऑन कर दिया अब आपने, ये तो ये चालू हो गई पीछे। अच्छा अभी नहीं हुई, ये चार नंबर दबाएंगे, ये पी जो उठाएंगे ऊपर को। मैडम यहाँ पे आओगे तभी ये दिखा पाओगे। अब पीछे चल गया। अच्छा चालू हो गया पीछे, अब ये पीछे चालू हो गया। अब ये क्या कर रहा है? पीछे पानी छिड़क रहा है, पानी फेंक रहा है। देखो यहाँ अच्छा इस ये पोल्यूशन खत्म कर रही है। अच्छा अब उतर के आप बाहर आ सकते हो हमारे साथ बात करने। आओ एक बार देखो, यहाँ पर इन्होंने ये मशीन ऑन कर दी है। तीन यहाँ पर एक इस मशीन के अंदर तीन चार बटन थे जो ऑन करे हैं, तीनों चारों बटन ऑन करने के बाद अब ये चालू हो गई है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इसने पानी फेंकना शुरू कर दिया है और ये पानी सारा सड़क के ऊपर जा रहा है। अब इससे पोल्यूशन कितना खत्म हो रहा है, कितना पोल्यूशन खत्म नहीं हो रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके बारे में अब ये बताएंगे हमारे को। अच्छा ये बताओ कि अब ये सड़क के ऊपर पानी फेंक रही है और ये पोल्यूशन खत्म हो रहा है, दिल्ली में ऐसी कितनी मशीनें लगा दी जाएं कि जिससे दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? भाई हर रोड में दो तीन गाड़ी होनी चाहिए कम से कम। अच्छा एक गाड़ी की कीमत कितनी है, गाड़ी पे खर्चा कितना आता है सरकार का? इसका तो सर मुझे मालूम नहीं, कर पर मुझे तो मालिक ही बताएगा। आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरे 20,000 रुपया। 20,000 रुपये तनख्वाह। गाड़ी की कीमत कितनी होगी? गाड़ी चेचिस की है 15 लाख रुपया। 15 लाख मशीन लगी है, ये अलग है। मशीन की अमूमन कीमत कितनी होगी अंदाजा? कम से कम 14 लाख। 14 लाख मतलब 15 लाख इसकी मान लें, 15 लाख इसकी मान लें, 30 लाख रुपए लगा दें, 30,20,000 रुपए महीने का लगभग लगभग सरकार के एक गाड़ी पे खर्चा है। अच्छा ऐसी आप बता रहे हो कि अगर हर दिल्ली में कितनी गाड़ी हो कि पोल्यूशन दिल्ली का खत्म हो जाए? दिल्ली तो सर बहुत बड़ी है, बहुत रोड है, हर रोड में एक दो गाड़ी होनी चाहिए कम से कम। अच्छा आपको लगता है कि अगर सड़क के ऊपर दो गाड़ी भी दिल्ली सरकार ये दे दे तो दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाए? खत्म हो जाए। अब बताओ दिल्ली सरकार कितना पैसा जो है सिविल डिफेंस के जवानों पर लगा रही है और कितनी अनेकों योजनाएं तैयार करती है पोल्यूशन का खत्म करने के लिए। और इन भैया ने बताया है कि अगर इस तरह की गाड़ी दिल्ली सरकार हर गली में दो गाड़ी लगा दे तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। हालांकि होगा या नहीं होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर ये क्या छोड़ रही है, पानी है, केमिकल है? पानी है, पानी, पानी। अब ये सड़क के ऊपर पानी पड़ेगा, अगर कोई फिसल के किसी का एक्सीडेंट हो जाए पानी से तो उसका जवाबदार कौन होगा? फिसल सकता है? नहीं फिसल सकता है, फिसल सकता है, लेकिन इसको हम साइड से मारते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी होती है वहाँ पे डालते हैं पानी। अब ये देखो ना, तो आधी सड़क के ऊपर जा रहा है ना, जब गाड़ी चलेगी तो मेरे पानी बिल्कुल साइड में आएगा,
यहाँ पे कौन नहीं मिलता। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अब ये गाड़ी चल रही है जैसे यहाँ पे खड़ी है साइड में, तो पूरी आधी सड़क के ऊपर जा रहा है और पानी जाता रहेगा तो सड़क भी खराब होगी। जिस टाइम गाड़ी चलती है उस टाइम पानी जमता नहीं है, उड़ता है पानी, जो धूल मट्टी होती है उसको डैश को दाबता है, उससे कोई स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होगा नहीं। अच्छा आपको लगता है कि ये योजना ज्यादा बढ़िया भ्रष्टाचार को या मतलब पोल्यूशन को मिटाने के लिए, या मेरे हिसाब से जितने दिल्ली के नेताजी लोग हैं या जितने हमारे भारत के नेताजी हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कम कर दें, भ्रष्टाचार बंद कर दें, तो जमीनी स्तर पर पोल्यूशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। ये नेताजी जितना भ्रष्टाचार करते हैं, अगर अपना भ्रष्टाचार खत्म कर दे तो पोल्यूशन रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। और सही मायने में पोल्यूशन को अगर खत्म करना ही चाहते हो तो बजाय कि इस तरह की गाड़ी लगाने से, उन फैक्ट्रियों पे एक बार कार्रवाई कर दो जो दिल्ली में अवैध तरीके से चल रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है ना अवैध तरीके से, बिल्कुल वो बंद हो जाए तो पोल्यूशन आधा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और हर प्रत्येक एक दिन एक पेड़ लगाना शुरू कर दें और पेड़ों को काटना बंद कर दें, फिर इस तरह की आधुनिक मशीनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही। इन मशीनों से इतना पोल्यूशन नहीं खत्म होने वाला है केजरीवाल जी, तमाम नेताजी को बता दूं, इस तरह की मशीनों से पोल्यूशन जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप लोग अपना भ्रष्टाचार खत्म करना बंद नहीं करोगे। आप लगातार भ्रष्टाचार करते जाओ और इस तरह की गाड़ियां सड़क पे घुमाते जाओ और फिर कहते जाओ हम लोग पोल्यूशन पे कंट्रोल कर रहे हैं, ये जनता के टैक्स के पैसे से यहाँ पर काम होता है। हालांकि मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि मशीन नहीं होनी चाहिए, विरोध कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपके द्वारा किए गए सत्यानाश कार्यों का। जितने नेताजी हैं वो जो भ्रष्टाचार रूपी यहाँ पर पाप बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो यहाँ पर आपका पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार करना बंद कर दोगे तो पोल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा। और आए दिन एक पेड़ उगा दो, पेड़ों को काटना बंद कर दो और अवैध फैक्ट्रियों की जांच करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर दो तो पोल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा बजाय कि इन गाड़ियों के। बाकी बात अच्छी लगी हो तो खबर शेयर जरूर करना, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल राइट है। जय हिंद, जय भारत।